आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बांका जिले के कटोरिया में राजस्व भूमि सुधार विभाग के बैनर तले ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में कटोरिया सीओ कटोरिया पंचायत के मुखिया प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में की गई। ग्रामीणों को अपने भूमि संबंधित और शुद्धि एवं भूमि के नेचर के बारे में बारीकी से बताया गया। साथ ही कटोरिया अंचलाधिकारी सागर प्रसाद ने भी ग्राम सभा में आए ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और ग्रामीणों को कहा कि अपनी जमीन संबंधित विवादों का निपटारा करने का यह बहुत अच्छा मौका है। ग्राम सभा का आयोजन छाता कुरुम और बिलोनी गांव में रखा गया था। इन तमाम मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता जितेन कुमार ने। राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार के बैनर तले बांका जिले के कटोरिया पंचायत में जमीन की बंदोबस्ती को लेकर, जमीन का नेचर क्या है उसको डिजिटलाइजेशन करने की व्यवस्था की जानी है और इसको लेकर ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई है। यहाँ के कटोरिया सीओ हैं और मुखिया प्रदीप गुप्ता भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या ग्राम सभा में लोगों को बताएगी और भूमि सुधार बंदोबस्ती को लेकर क्या कुछ सूचनाएं लोगों को दी गई। हमारे साथ कटोरिया पंचायत के मुखिया हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये ग्राम सभा में क्या कुछ लोगों को जानकारी दी गई। आज जो ग्राम सभा आहूत की गई थी इसमें बिहार सरकार के द्वारा ये है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय कटोरिया, जो पुस्तकालय भवन थाना रोड कटोरिया में अवस्थित है, इसमें है विशेष भू सर्वेक्षण कार्य का प्रारंभ किया जाना है। इसमें जिस किसी का भी जमीन अगर है, प्रपत्र ये लोग देंगे, 1 से 20-22 तक देंगे, लेकिन अभी प्रपत्र 1 देंगे, उसमें ये अपना डिक्लेरेशन करेंगे कि हमारा ये खाता खसरा है, ये जमीन है। अब उसका जांच ये लोग करवाएंगे, जांच करने के बाद संतुष्ट पाएंगे उनका चढ़ेगा, आगे का फिर जो भी प्रपत्र होगा वो भर के देंगे, तब फाइनल बनेगा। तो एक पुस्तिका इन लोग को मिलेगा, हर एक किसान को वो जब मिल जाएगा तो उससे बहुत हद तक जो अभी जमीन का लड़ाई हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। लोगों को दिक्कतें जो आती हैं वो डिजिटलाइजेशन को लेकर, जो वो लोग कार्यालय का चक्कर लगाते हैं तो लोग मतलब खासी परेशानी उठानी पड़ती है। ये बात भी बहुत सही बात है कि लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ती है, जो चक्कर लगाना पड़ता है। हमारा एक विचार है और हम यहाँ प्रस्ताव भी रखे ग्राम सभा में सबके समक्ष में कि जो भी काम हो, जैसे पुस्तकालय में ये बनाया गया है इसका केंद्र, और उसके बावजूद भी अगर कठिनाई हो आप हमसे संपर्क करें, उसका समाधान हम जाके स्वयं करा देंगे। और जो भी हमारे पदाधिकारी या कर्मीगण जो आए हुए हैं सर्वेक्षण करने के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, वो सहयोगी हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग सहयोग करेंगे। हमको नहीं लगता है कोई तरह की डिफिकल्टी होगी और ये लोग भी बढ़िया से सहयोग कर रहे हैं, करेंगे भी। कटोरिया सीओ हैं सर, बताया जाए अपना कुछ मंतव्य रखें इस विषय पर। हम तो बता रहे हैं कि इसमें विशेष सर्वेक्षण में यही है, सर्वेक्षण एक विशेष सर्वेक्षण, सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण में खास अंतर यही है कि टाइटल के अनुसार आपका पोजीशन होगा, पोजीशन के अनुसार आपका पेपर होगा, मैप का डिजिटाइजेशन किया जाएगा, अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड होगा जो हमारे अंचल में होगा, अंचल में अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के लिए वो रजिस्ट्री ऑफिस से जुड़ जाएगा और अपने आप स्वतः आपका म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन के लिए इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और ये हाइब्रिड मशीन का प्रयोग किया जाएगा, चेन का प्रयोग, कम से कम चेन का प्रयोग किया जाएगा, घंटा चेन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें मैट्रिक चेन का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। मैट्रिक चेन के लिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे, मैट्रिक चेन का ही इस्तेमाल होगा और हाइब्रिड मशीन जिसको ETS मशीन कहते हैं और DGPS मशीन, जिसमें जो क्या डिफरेंसेज है लेटीट्यूड लैंगिट्यूड में, उसको डिफरेंसेज को ठीक किया जाएगा और उसके अनुसार मुस्तकिल बनाया जाएगा। आइए GTS सर्वे जो हमारा देहरादून करवाया था 1802 10 अप्रैल 1802 में, वो GTS सर्वे के बेस पर ये सर्वे हो रहा है विशेष सर्वेक्षण। लेकिन यहाँ बंदोबस्ती का कोई
हम लोग इन लोगों को भी बंदोबस्ती का कोई पावर नहीं होगा, इन पावर नहीं होंगे बंदोबस्त करने के लिए, सिर्फ सर्वे करेंगे। पहले तो बंदोबस्ती होती थी, बंदोबस्त पदाधिकारी हमारे जिला पदाधिकारी हैं, ऐसे तो एक सेपरेट पद होता है ये, लेकिन पद अभी तो जिला पदाधिकारी ही हैं और जिले में एक एएसओ हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। एक सवाल है आपसे कि मतलब कटोरिया सीओ, मतलब सीओ की जिम्मेदारी तो लैंडलॉर्ड के एक तरह से वो मालिकाना हक होता है, हाँ, तो किसी बहुत तरह की समस्याएं भी होती हैं जमीन विवाद को लेकर, क्या उस परिपेक्ष में भी ये किया जाना मतलब बहुत बेहतर होगा लोगों के? बहुत बढ़िया सर्वेक्षण में बहुत आप लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है, और विवाद तो खैर लगभग खत्म हो जाएगा, विवाद अभी तो शुरुआत हुआ है, विवाद की संभावना रहेगी ही नहीं। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सही संदेश यही देना चाहेंगे कि ये इसमें भरपूर सहयोग करें, सहयोग करें, सहयोग से ही ये काम संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्या गुड नेम सर? मेरा नाम सागर प्रसाद हुआ, मैं अंचल अधिकारी कटोरिया। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, ग्राम सभा के अंतर्गत लोगों को सूचनाएं दी जा रही हैं कि आपकी जो भी जमीन है प्लीज उसका नेचर जो है कार्यालय में जमा कराएं, पेपर आपका अपग्रेडेशन होगा, डिजिटलाइजेशन होगा, उसका ऑनलाइन आप देख सकेंगे, ये आने वाली फ्यूचर के लिए सेफ रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी। कटोरिया से मैं जीतन कुमार।